हेलो एवरीवन, मैं विकास, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका आज टॉपिक है समास, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि समास आखिर कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में समास कहते किसे हैं। तो समास का मतलब होता है सामासिक, यानी समास दो या दो से अधिक पद के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, हम समास कहते हैं। अब बात आती है कि समास और संधि में अंतर क्या होता है। तो समास और संधि में अंतर क्या होता है, समास में दो शब्द मिलते हैं और संधि में क्या होता है, दो वर्ड मिलते हैं। एक तो ये अंतर है आपका। दूसरा अंतर है, समास में हमेशा विग्रह होता है और संधि में हमेशा संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो उसे हम कहते हैं समास। आगे बढ़ते हैं कि समास के भेद कितने, नहीं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो वैसे तो आपके ये चार ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यह भी पूछ लेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो छह प्रकार के। अगर ऑप्शन आपका छह प्रकार दिया है तो छह ही प्रकार पर आंसर लगाना है। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इस तरीके से ये आपके छह प्रकार के होते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो आपके चार होते हैं, तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके कर्मधारय और द्वंद्व, ये जो सॉरी द्विगु जो समास हैं, कर्मधारय और द्विगु, ये आपके तत्पुरुष के ही रूप होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, तत्पुरुष के ही रूप होते हैं। लेकिन अगर समास पूछा जाए तो समास कितने प्रकार के, तो समास हमारे छह प्रकार के होते हैं। ऑप्शन अगर छह ना हो तो हमें आंसर कितना लगाना है, चार लगाना है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि अव्ययी भाव किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं और द्विगु समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद कैसा हो, प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद आपका क्या हो, संज्ञा हो, इस तरीके से भी परिभाषा बन सकती है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। पहचान और क्या होती है, इस समास के पहले पद में अनु, प्रति, भर, यथा, आ, आवत, इस तरीके से अगर ये उपसर्ग जुड़े हैं, अव्यय जुड़े हों किसी भी शब्द के आगे, अनु जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, भर जुड़ा हो, यथा, आ, आवत, अगर इनमें से कोई भी शब्द जुड़ा है, इसका मतलब वहां पे समास कौन सा है, हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उदाहरण में जैसे आ जन्म, अब जैसे आपका लिखा है जन्म, जन्म मीस होता है जिंदगी, और जैसे ही मैंने इसके आगे मैंने जोड़ दिया आ, तो हो गया हमारा आजन्म। आजन्म का मतलब जिंदगी भर, तो इसके मतलब पहले पद के जुड़ने से इसका पूरा अर्थ बदल गया। इसका मतलब पहला पद या पूर्व पद हमारा कैसा है, प्रधान है, मुख्य है। और इसकी पहचान क्या होती है, पहले पद में आपका उपसर्ग होगा, अनु है, प्रति है, भर, ये हमारे क्या है, उपसर्ग, ये भी इसकी पहचान है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, या पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, या फिर पहला पद आपका उपसर्ग हो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपका अगला नंबर दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद या बाद का पद, जिस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। पहचान क्या है आपका, विग्रह करने पर कारक चिन्ह, विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आए तो वहां पर आपका कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब विग्रह करने पर कर्ता कारक नहीं आएगा, आपका संबोधन कारक नहीं आएगा, ये दो कारक को छोड़ करके जितने भी आपके कारक हैं उनके अगर चिन्ह आ रहे हैं तो वहां आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे धनहीन, अब इसका अगर विग्रह करेंगे धन से हीन, तो विग्रह करने पर से
बीच में आ रहा है, यानी कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा व्यक्ति यहां पे, तो पंचमी है, अपादान, धन से हीन, राजा पुत्र, राजा का पुत्र, तो का चिन्ह बीच में आ रहा है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास की पहचान हमने देख ली, अव्यय भाव की देख ली। तत्पुरुष की क्या उसी होती है हमारी, इस का जो उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नंबर तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण और अन्य पद कैसे हो, विशेष हो। जिस समास का पहला पद कैसा हो, विशेषण हो, और अन्य पद विशेष हो, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के रूप में नील गाय। अब पहला पद क्या है हमारा, नील यानी नीला, और दूसरा है गाय। पहला पद नीला यानी विशेषण है, गाय तो है, उसकी विशेषता क्या है, वो नीली है। और विशेष्य क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नीला गाय यानी नील गाय, नीली है जो गाय, यानी नीला जो है विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, गाय की, तो गाय विशेष्य कहलाए। चरण कमल, यानी चरण तो है किसके समान है, कमल के समान है। इसी प्रकार महापुरुष, पुरुष तो है लेकिन कैसा है, महान है। यानी पहला पद आपका यदि विशेषण हो और अन्य पद क्या हो, विशेष हो, या फिर यहां भी ऐसी भी आ सकता है कि आपका पहला पद विशेष हो और दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है, या दोनों ही पद आपके विशेषण हो सकते हैं, या दोनों पद आपके विशेष हो सकते हैं, तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नंबर चार आपका है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, यानी संख्याएं आए, जिस समास का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। उदाहरण दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, त्रिफला। अब दोपहर यानी दो आ रहा है, त्रिलोक में तीन आ रहा है, चौराह में चार आ रहा है, और त्रिफला में तीन आ रहा है। यानी पहला पद आपका कैसा है, संख्यावाची है, दो त्रि तीन चौर इन चार त्रि फिर से तीन, तो इसका मतलब जिस समास का अगर पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक हो, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नंबर पांच आपका है द्वंद समास। द्वंद समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद अर्थात उभय पद, उभय मीन्स होता है दोनों, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो, वहां पर आपका द्वंद समास होता है। और पहचान क्या होती है, विग्रह करने पर और, अथवा या फिर योजक चिन्ह भी दोनों पदों के बीच में आते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, द्वंद समास होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, दोनों पदों जो होते हैं पद, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे लाभ हानि। अब योजक चिन्ह बीच में लगा है, इसका मतलब हमारा कौन समास है, द्वंद समास है। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं, लाभ का विपरीत होता है हानि, और विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ और हानि, इसी प्रकार पाप और पुण्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो द्वंद समझ में आया, द्वंद समास में क्या होता है, जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो, विग्रह करने पर और, अथवा या, ये शब्द आए तो वहां पर आपका द्वंद समास हो जाता है। ठीक है, लास्ट है आपका नंबर छह बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है, या फिर कह सकते हैं जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो तथा सभी पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बना देते हैं, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर। अब यहां पे आपके लंबा एक शब्द आ रहा है, दूसरा आ रहा है उदर, लेकिन दोनों पद प्रधान नहीं है। लंबोदर किसके लिए कह रहा है, गणेश के लिए, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन है, गणेश है। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है।